अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम के सपनों की दुनिया। कैसे हो माय फ्रेंड्स, आप लोग सब ठीक होंगे यही उम्मीद करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, एंड तक मेरे साथ बने रहें। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आज आपके साथ मैं मेरी खुशी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा, तो चलिए मेरे साथ एंड तक बने रहें। यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और हमज़ा देखिए कैसे आके बैठा है अज़ान नमाज़ पे, और हट ही नहीं रहा था, वो भी बैठ गया था। हमज़ा भी नमाज़ पढ़ रहा है ना, हमज़ा मस्ती कर रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है। तो हम्मद की एक्चुअली नमाज़ बाकी थी, इसलिए मैंने बिछाई रखी थी तो ताकि हम्मद भी अपनी नमाज़ पढ़ ले। तो हमज़ा फिर उस पर खेलते बैठा था, मतलब हट ही नहीं रहा था, वहाँ से उसको बोल रही थी, हट नहीं हट रहा था। फिर हम्माद देखिए यहाँ पे, हम्माद भी अपनी नमाज़ पढ़ रहा है। और हम्माद भी अपनी नमाज़ अदा कर रहा है। और ये जोहर का टाइम था और ना लाइट भी चली गई थी, तो इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। थोड़ी बारिश गिरती नहीं है तो लाइट चली जाती है, अभी तो बारिश स्टार्ट हुई है और ये हाल है, बहुत बार बार बीच बीच में लाइट जाती ही रहती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और हम्मद की भी यहाँ पे नमाज हो चुकी थी, और फिर देखिए दोनों भी भाई लोग की मस्ती यहाँ पे चालू थी, तो लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। हमज़ा को मैं बोल रही थी, हमज़ा चल के दिखा, चल के दिखा, चल ही नहीं रहा था, वो अपना ही मस्ती कर रहा था। उसको कितना मैं आवाज़ दे रही थी लेकिन वो नहीं सुन रहा था, वो अपने ही वो पर्दा था ना, तो पर्दे से ही मस्ती कर रहा था। और ये रात का टाइम है और यहाँ पे देखिए हम अरसलान है ना, अभी स्कूटी सीखा ना उसने चलाने का, तो सबको ना एक एक राउंड लगा रहा था स्कूटी का। तो फिर हम्माद को भी वो लेके गया था, तो हम्माद हमज़ा सब नीचे उतरे थे। तो देखिए हम अरसलान और हम्माद दोनों भी जाके आ गए हैं राउंड लगा के, तो हमज़ा भी नीचे ही था, तो उसके बड़े अब्बू भी थे, तो लोग तीनों भी नीचे ही थे। माशाल्लाह अभी वो सीख गया ना, तो अच्छा हो गया ना उसके लिए भी अभी। और मुझे भी बहुत ख्वाहिश थी स्कूटी सीखने की, लेकिन मैं सीख ही नहीं पाई और ना ही मुझे किसी ने सिखाया, तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी, सीखना है मुझे भी, इंशाल्लाह सीखूंगी। और यहाँ पे देखिए हमज़ा को कैसे चला रहे थे, वो चल रहा है ना अभी माशाल्लाह, तो कैसे चलता है, थोड़ा फिर गिर रहा था, चलता है फिर अपने आप से उठ के वापस खड़ा होता है, फिर चल रहा था, तो बहुत मज़ा आ रही थी, सब लोग थे तो अच्छा लग रहा था। तो हमज़ा भी कोशिश कर रहा था चलने की, उसको भी अच्छा लग रहा था, तो वो गिर रहा था लेकिन फिर से खुद से ही खड़ा हो रहा था और फिर से चल रहा था, तो अच्छा लग रहा था। अभी इधर आ, इधर आ जाए, इसको इधर बुला, इसको इधर बुला, ए इधर आ, हमज़ा इधर आ, लगेगा टेबल, इधर आ, ए देख इधर आ, और ये नेक्स्ट डे का है, हम्माद स्कूल के लिए रेडी हो चुका है, तो जा रहा था स्कूल, नीचे आती है ना उसकी ऑटो आगे, तो फिर वो जा रहा था स्कूल। अभी तक उसका ना एक्चुअली यूनिफॉर्म नहीं मिला है स्कूल से, तो किसी को भी नहीं मिला है यूनिफॉर्म, अभी तक सिल के नहीं आए, तो सिल के आएगा तो इंशाल्लाह फिर उसको यूनिफॉर्म भी पहन लेगा, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। देखिए हम्माद भी जा रहा है उस तरफ है ना रोड के क्रॉस करके, वहाँ पे ऑटो खड़ी रहती है, तो जा रहा था जहाँ पे कार खड़ी है ना वाइट कलर की, वहाँ पे आती है उसकी ऑटो, स्कूल की ऑटो। और ये शाम हो चुकी है और हम्माद स्कूल से आ चुका है और बहुत थक जाता है, अभी स्कूल चालू है तो कैसे सुबह से वो लोग की ड्यूटी चालू हो जाती है ना, सुबह से रात तक लोग बिजी रहते हैं, लोग के टाइम ही नहीं है, लोग के पास स्कूल मकतब ट्यूशंस, तो टाइम नहीं मिलता है लोग को ज़्यादा, फिर थोड़ा वो टाइम रहता है तो भी घर में पढ़ाई भी करता है, फिर थोड़ा सा टाइम रहता है वो खेलता है थोड़ा, और हमज़ा के साथ भी रहता है, तो ऐसे उसका पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सुबह से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता।
तो भी बैठा था आके वो। और देखिए यहाँ पे मैंने खाने में चावल चढ़ाई थी और यहाँ पे मैंने साथ ही दाल गोश बनाई थी, तो माशाल्लाह दाल गोश भी रेडी हो चुका था और बहुत ही यम्मी दाल गोश बन के रेडी हुआ था। देखिए बहुत ही यम्मी था, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो पहले मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर चुकी हूँ ना, तो इसके लिए अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैंने ये खाना बनाई थी। और साथ ही यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दी थी कढ़ाई में, तेल गरम होते ही मैंने यहाँ पे साथ ही पापड़ तल ली थी मैंने। तो हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खाना खा लिए थे, दाल गोश चावल और पापड़ थे साथ ही। और हमने यहाँ पे दस्तरखान लगा दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे खाना हो चुका है। और सबसे बड़ी खुशी की बात आपसे शेयर करना अभी बाकी है, और जो बड़ी खुशी की बात ये है कि सबा इब्राहिम से मैं मिल चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिल के बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मुलाकात करके। लेकिन ये सब रियल में नहीं हुआ है, एक्चुअली ये सब मैंने सपने में हुआ है। मैंने एक ख्वाब देखी थी और मुझे सपना आया था, तो उसमें मैं मिली थी सबा इब्राहिम से। एक्चुअली अभी सब यही चल रहा है ना, तो उसके बारे में सब सोच रहे, मतलब उसकी वीडियोज़ देखी हूँ तो उसके बारे में ही मैं सोच रही थी ना। सबा इब्राहिम माशाल्लाह उनकी शादी भी फिक्स हो गई है, और तो मैंने ख्वाब में यही देखा कि मैं उनसे मुलाकात की हूँ। इंशाल्लाह मैं ज़रूर एक ना एक दिन उनसे मुलाकात करूँगी और ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा, हकीकत में बदलेगा इंशाल्लाह। और बहुत सारे दिल से दुआएं उनके लिए, उनकी शादी के लिए। और माशाल्लाह इतनी अच्छी फैमिली है उनकी, तो क्या ही बताएं। माशाल्लाह आप तो सब जानते ही होंगे कि कितनी अच्छी फैमिली है, जितना बात करें उतना कम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को ऐसी खुश रखे और ऐसी वो सबके साथ अपनी खुशियां शेयर करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्ट, दुआ में याद रखिए। अपनों के साथ अपना भी ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।